मृतक की इन चीजों के इस्तेमाल से लगता है पितृदोष। अगर आप भी मृतक की इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आज से ही बंद कर दें, नहीं तो आपको भी पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष बहुत ही घातक माना जाता है। पितृदोष लगने से जीवन में अशांति आ जाती है और पारिवारिक कलह भी बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि मृतक की कौन सी है वो तीन चीजें जिन्हें इस्तेमाल करने से लगता है पितृदोष। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष को बहुत ही घातक माना जाता है। पितृदोष के लगने से परिवार की सुख शांति छिन जाती है। पितृदोष को बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की नीच स्थिति से पितृदोष पैदा होता है और कष्ट देता है। लेकिन जीवन में कुछ और भी अन्य ऐसे कारण होते हैं जिससे पितृदोष लगता है। इन्हीं कुछ कारणों में से है ये एक कारण कि मृतक की इन तीन चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में भयंकर पितृदोष लग सकता है। गरुण पुराण के अनुसार मृतक व्यक्ति की ये तीन चीजें कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में गरुण पुराण का विशेष महत्व है। किसी की मृत्यु होने के बाद गरुण पुराण को सुनना बहुत ही आवश्यक माना गया है। गरुण पुराण का पाठ किसी ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाता है। इस पुराण के देवता भगवान विष्णु हैं। गरुण पुराण में 271 अध्याय और 18,000 श्लोक मिलते हैं। साथ ही गरुण पुराण में मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होगी और किस प्रकार की योनि में जन्म होगा, इन सब बातों की जानकारी दी गई है। यहाँ हम आज आपको बताएंगे कि मरने के बाद व्यक्ति की कौन सी है वो तीन चीजें जिन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितृदोष लग सकता है। तो आइए जान लेते हैं वो तीन चीजें। वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो आइए जान लेते हैं वो कौन सी है मृतक की तीन चीजें जिन्हें यूज नहीं करना चाहिए। मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के कभी भी कपड़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती हैं, जिस कारण वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। आप मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर सकते हैं जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। मृत व्यक्ति के गहनों का भी नहीं करना चाहिए प्रयोग। गरुण पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति के कभी भी गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति के गहने भी उसकी ऊर्जा का स्रोत होते हैं। साथ ही मृत व्यक्ति का कपड़ों से ज्यादा अपने गहनों से लगाव होता है। वही जब मृत व्यक्ति के गहने जब कोई दूसरा पहन लेता है तो उसकी आत्मा सहज महसूस करने लगती है। साथ ही उस व्यक्ति की आत्मा मोक्ष की राह में न जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गलाकर आप उसका कोई दूसरा गहना बनवा सकते हैं, अन्यथा उसको मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर मृतक के गहने धारण करने से पहले उनकी शुद्धि और पूजा अवश्य ही करवा लेनी चाहिए। मृतक की घड़ी का भी नहीं करना चाहिए प्रयोग। मृत व्यक्ति की घड़ी कभी प्रयोग में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि घड़ी भी ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत होती है। वही घड़ी भी व्यक्ति के साथ हमेशा रहती है। कभी भी मरने वाले व्यक्ति की घड़ी का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृत व्यक्ति की घड़ी बुरे समय को दर्शाती है। ऐसे में मृतक की घड़ी पहनने से पितृदोष लगता है, अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। मरने वाले व्यक्ति की घड़ी को दान कर देना चाहिए या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। अगर आप भी मृतक की इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आज से ही बंद कर दें, नहीं तो आपको भी पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मृतक की कौन सी तीन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपको हमारी जानकारी पसंद आई है, तो आप इस लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।